सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। नागपुर हिंगना में पत्नी के विरह में पति ने भी त्याग दिया प्राण। शादी के बाद पूरी जिंदगी सुख और दुख के साथी रहे पति पत्नी दुनिया से भी एक साथ रुखसत हो गए। भाव विभोर कर देने वाली यह घटना हिंगना तहसील के वाना डोंगरी अंतर्गत वैभव नगर में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सखुबाई आनंदराव उर्पाड़े 85 साल की बताई जा रही है। सोमवार की शाम 4 बजे उनका निधन हो गया। मंगलवार की सुबह 10 बजे परिजनों ने अंतिम यात्रा की तैयारी आरंभ की। अपनी जीवन संगनी का विरह सह नहीं पाने से आनंदराव विठोबा उर्पाटे 92 वर्ष के बताए गए है, जहाँ उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस घटना से सभी आवक रह गए। हुरपोट दंपति की एक साथ अंत्य यात्रा निकाली गई। वहीं कलमेश्वर में अनाज की बोरियों में मिला शव। कलमेश्वर में स्थानीय बस स्थानक पर मंगलवार की सुबह एक अनाज की बोरियों पर व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नागपुर हिंगना टी पॉइंट में पेड़ से टकरा कर इंजीनियर छात्र की मौत। मित्रों के साथ बाइक पर लौट रहे इंजीनियर छात्र की जगह पर ही मौत हो गई। यह हादसा सोमवार की रात हिंगना टी पॉइंट के पास हुए। इस हादसे में एक अन्य छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। मृतक अमन अशोक नवहारे 20 साल का बताया गया है तथा जख्मी कीर्तिमान रामरत्ना 21 साल का है। अमन और कार्तिक हिंगना के प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र है। अमन मूलतः चंद्रपुर का निवासी है। सोमवार की रात अध्ययन करने के बाद वह 8 से 10 मित्रों के साथ बाइक पर सवार होकर चाय नाश्ता करने के लिए कमरे से रवाना हुए। वह आईटी पार्क में पहुंचे, वहां नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद तड़के 3 बजे बाइक से लौट रहे थे। अमन की बाइक पर कीर्तिमान बैठा था। तेज गति की वजह से अमन का नियंत्रण खो गया, जहां जबरदस्त टक्कर पेड़ पर जाकर टकराई बाइक। उन्हें तत्काल में लता मंगेशकर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अमन ने जगह पर ही दम तोड़ दिया था। इस मामले की जांच प्रताप नगर पुलिस कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।